परमेश्वर की लीला अपरंपार है। वो जब चाहे, जहां चाहे, कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीब दास इस वियोग को समझ सके ना कोई। परमेश्वर चारों युगों में प्रकट होते हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से आते हैं। उनका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य जीव आत्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाने और उनका मोक्ष करने का होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक युग में वो परम अक्षर पुरुष अपने सत लोक को छोड़कर इस मृत लोक में आकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व भारत, जिसे जम्बो द्वीप भी कहा जाता है, इसके उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नगर में सन 1398 में शिशु रूप में लहरताला नामक तालाब में कमल के फूल पर सह शरीर सतलोक से आकर प्रकट हुए और 120 वर्ष लीला करके अपनी इच्छा से सह शरीर ही अपने निज लोक सतलोक चले गए। इस दौरान उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, बहुत से लोगों का दुख दूर करके उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। उन्होंने अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों, साखियों, कविताओं व दोहों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वे शास्त्र अनुकूल ज्ञान दिया करते थे, जिसे सुनकर बहुत से लोग उनकी शरण ग्रहण करने लगे। लोगों को लाभ होने लगा, जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों, ऋषियों, पंडितों, काजी व मुल्लाओं के पास लोग कम जाने लगे। मानो जैसे उनकी दुकानें बंद होने लगी। काजियों, मुल्लाओं व पंडितों और ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश होकर अपने अपने तरीके से कबीर परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया। ज्ञान चर्चा में जब नहीं हरा पाए तो हिंसा पर उतर आए। इतिहास का वाह है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी को हिंदू व मुसलमान धर्म के गुरु और पीरों द्वारा कितनी पीड़ा उठानी पड़ी। उनके जीवन काल में दुष्ट लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया और नकली गुरु पीरों के झांसे में आकर परमेश्वर कबीर जी पर 52 बार जुल्म ढाए। उनको मारने की कोशिश की गई और उन्हीं में से एक कोशिश थी कबीर परमेश्वर जी को खूनी हाथी से मरवाने की। राजा का हुक्म है कि कबीर पुत्र नीरू को कल प्रातः 10 बजे खूनी हाथी से कुचलकर मौत के घाट उतारा जाएगा। इसीलिए सभी नगर निवासी सजा देखने दंडित गृह पहुंच जाए। सुनो सुनो सुनो। हाँ, राजा ने बिल्कुल सही किया। अब की बार वो नहीं बच पाएगा। हर बार बच जाता है, पता नहीं क्या जादू मंत्र जानता है। अरे राजा के पास बहुत खतरनाक हाथी है, उसे तुरंत कुचलकर मार देगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, सब तैयारियां हो चुकी है। हाथी को खूब शराब पिलाना।
अच्छे से बांधना इस काफिर को, कहीं भाग ना जाए। आज तो इसका खेल खत्म करके ही छोड़ूंगा। अरे पहलवान, शराब और पिला दो इसको, ताकि ये इस काफिर का जल्द ही काम तमाम कर दे। आज तो कबीर निश्चित ही मारा जाएगा। हाँ हाँ, आज ये चुलाहा नहीं बच पाएगा। अरे खूनी हाथी इसे तुरंत मार देगा। हाँ हाँ, वो देखो, आज तो पीलवान हाथी को शराब भी पिला रहा है। अब तो उसका बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा। हाँ, होशियार, खबरदार, दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी पधार रहे हैं। महाराज सिकंदर लोधी की जय। महाराज सिकंदर लोधी की जय। महाराज सिकंदर लोधी की जय। दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी की जय हो। आज की दंड प्रणाली शुरू की जाए। ले जाकर दोबारा कुचलवा दे इसको। मारो 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 मारो। बख्शो परवरदिगार, सिर्फ अब की बार मेरे गुनाह माफ कर दो। आप ही अल्लाह हैं, मुझे बख्श दो। मेरे से भारी भूल हो गई है कि मैं आपको पहचान न सका। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। राजन अपने धार्मिक पीर शेख तकी के बहकावे में आकर ऐसी गलती ना किया करें। मैं सतलोक से तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। शेख तकी तो मूर्ख है, परंतु आपको तो ज्ञान है बच्चा। चलो ठीक है, माफ किया। इस तरह शेखत्ती ने अन्य कबीर जी के विरोधियों के साथ मिलकर उन्हें हाथी से मरवाने की भी एक नाकाम कोशिश की, लेकिन मारे नहीं मरे कबीर, सब प्रयत्न व्यर्थ रहा। ये अनमोल ज्ञान
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।